वह कौन सा गृहस्थ परिवार है, उनके कौन लक्षण होते हैं, जिनके घर में सुख निवास करता है। रामचरितमानस में गृहस्थ आश्रम को जंजाल का आश्रम बताया गया है, परंतु महाराजा धीराज धृतराष्ट्र विदुर जी से पूछते हैं कि विदुर, वह कौन सा गृहस्थ आश्रम है जिसमें सुख के साथ में परिवार के लोग जिंदगी बिताते हैं। विदुर कहते हैं, राजन, जिन गृहस्थों के घर में छह बातें होती है, छह लक्षण होते हैं, उनके घर में सुख निवास करता है। वे कौन कौन सी छह बातें हैं, विदुर विस्तार से बताइए। दूसरा प्रश्न, भगवान कहाँ रहता है, ईश्वर कैसे मिल सकता है, परमात्मा की खोज करते करते वृद्धावस्था आ जाती है, परमात्मा से भेंट नहीं होती है। स्त्री हो या पुरुष, भगवान से सभी मिलना चाहते हैं, परमात्मा से सब मिल करके कुछ कहना भी चाहते हैं। भगवान कैसे मिलेगा, परमात्मा कहाँ रहता है, आत्मा क्या चीज है, आत्मा किसे कहते हैं, आत्मा का स्वरूप कैसा है। धैर्य के साथ में बैठना, घर के काम कभी पूरे नहीं होंगे, आपकी जिंदगी पूरी हो जाएगी। घर के अधूरे कार्यों को छोड़कर आपकी माता पिता दादा दादी संसार से विदा हो चुके हैं। ये संसार के कार्य किसी के पूर्ण नहीं होते, जिंदगी पूर्ण हो जाती है। समय कम पड़ जाता है, 100 साल 120 साल की जिंदगी भी छोटी है, क्योंकि मनुष्य के मन की प्लानिंग बहुत बड़ी है। हजारों साल मनुष्य जीवित रहे, फिर भी इसकी योजनाएं पूरी नहीं होंगी, क्योंकि मनुष्य का मन बड़े बड़े सपने देखता है, बड़ी बड़ी कल्पना करता है, और जो सपना पूरा हो जाता है उसकी पूर्णता का स्वाद नहीं लेता है, आगे और बड़ा सपना आ जाता है। इसलिए संत कबीर कहते हैं, जीवन ऐसो सपना जैसो, जीवन सपन समाना। जीवन ऐसे है जैसे सपना। स्वप्न भी दो प्रकार का होता है, एक वह स्वप्न है जब तुम सोते हो, आंखें बंद हैं और स्वप्न चल रहा है। दूसरा वह स्वप्न है तुम जागते हो, आंखें खुला है और सपना देख रहे हो। और विचारक कहते हैं, दार्शनिक, खुली आंखों से जो सपना देखते हो
वो सपना पूर्ण करने के लिए तुमको सुबह से शाम तक सिर का पसीना एड़ी तक बहाना पड़ता है। रात में जो सोते समय सपना देखते हो, वे सपने सब तुम्हारी जागृत अवस्था की कल्पना का परिणाम होते हैं। जागृत अवस्था में तुम्हारा मन जहां जहां घूमता है, भटकता है, वो सब एक फिल्म तैयार हो जाती है और उसको रात में सपने में देखते रहते हो। ये रात में स्वप्न अवस्था, जागृत और सुषुप्ति दोनों के मध्य की अवस्था है। जागृत अवस्था जिस अवस्था में अभी वर्तमान में आप बैठे हुए हैं, ये जागृत अवस्था है। लेकिन ज्ञान की दृष्टि से, शरीर से तो तुम जागृत हो पर मन से सोए हुए हो, मोह की नींद में सोए हो। मोह निशा सब सोवन हारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकार। लक्ष्मण जी निषाद राज को समझा रहे हैं रामचरितमानस में कि मोह की अंधेरी रात में सारा संसार सो रहा है। ये मोह कोई साधारण नहीं है, सबको मालूम है मृत्यु होगी, लेकिन फिर भी मृत्यु का स्मरण नहीं रहता है, मृत्यु विस्मरण हो जाती है और फिर तुम ऐसे जीते हो जैसे कभी मरोगे ही नहीं, फिर ऐसे काम करते हो जैसे तुम अमर ही हो। बेचारा कहते हैं कि रावण स्वर्ग में सीढ़ी लगाना चाहता था और सीता का हरण करना चाहता था, दो काम उसकी जिंदगी के शेष बचे थे, स्वर्ग में सीढ़ी लगाना। यदि स्वर्ग में सीढ़ी लग सकती थी तो आज तो लोग एरोप्लेन से स्वर्ग पहुंच जाते, सीढ़ी की भी जरूरत नहीं, जेट विमान से पहुंचते हैं। स्वर्ग कोई ऐसी जगह पर आकाश में नहीं है जहां तुम सीढ़ी लगाकर चढ़ सकोगे। सभी लोग कहते हैं ऊपर स्वर्ग है और नीचे नरक है। नीचे नरक का मतलब है नीच सोच, नीच कर्म, नीच विचार, नीच चरित्र से नरक की प्राप्ति होती है। नीचे नरक है इसका अर्थ यही है और ऊपर स्वर्ग है, ऊंचे स्वर्ग है, अर्थात उच्च विचार, उच्च सोच और उच्च कर्म से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्राप्त होना एक कहने का तरीका है, आपका जीवन ही स्वर्ग बन जाता है, नीच कर्म करते करते जीवन ही नरक बन जाता है। नीचे नरक का मतलब यह नहीं कि धरती से नीचे पाताल में, ऊपर स्वर्ग का अर्थ यह नहीं कि आकाश में कहीं ऊंचे। जिसमें तुम्हारा मन निर्मल होता है, मन प्रसन्न होता है, मन सुमन होता है, जिसमें मन टेंशन मुक्त होता है, जिसमें तुम्हारा मन शुभ सोचता है, सेवा भाव से भरा होता है, प्रेम भाव से भरा होता है, जिसमें तुम्हारे हाथों से शुभ कर्म संपादित होते हैं, जिसमें तुम्हारे शुभ चरित्र का प्रभाव संसार में फैलता है, उस समय तुम स्वर्ग में जीवन जी रहे हो। वही स्वर्ग है, मन की पवित्रता, कर्मों की पवित्रता, विचारों की पवित्रता, वाणी की मधुरता और स्वभाव की शालीनता आपके जीवन को स्वर्ग बना देती है। कले कलेश, राग द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध,
आपके जीवन को नरक बना देता है। कितने लोग कहते हैं कि मेरी जिंदगी तो पूरी नरक में ही बीत रही है। माँ कहती है मेरी जिंदगी नरक में बीत रही है, बेटा कहता है मेरी जिंदगी स्वर्ग में बीत रही है, बहू कहती है मेरी जिंदगी स्वर्ग और नरक दोनों के बीच में बीत रही है, और सासू कहती है कि मेरी जिंदगी सब बोझा बन गई है, जिंदगी में कुछ सुख नहीं मिला। हर व्यक्ति की जिंदगी शिकायतों से भरी हुई है, कंप्लेन से भरी हुई है, जीवन में संतुष्टि नहीं है, आनंद नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, सत्संग में मन लगता नहीं है, होशियार बहुत ज्यादा है, चतुराई कम नहीं है, बुद्धि का बहुत बड़ा भंडार है, सत्संग कभी सुनते नहीं, हाथ पांव बहुत मारते हैं, परेशान बहुत हो जाते हैं, चैन बिल्कुल नहीं है, सारी दुनिया मुट्ठी में करना चाहते हैं, मिलता कुछ नहीं है। जो बचपन की खुशियां थी धीरे धीरे जवानी में खोती जा रही है, और जवानी का जो रस था वो बुढ़ापे में नीरस होता जा रहा है, और बुढ़ापे में जो आशाएं थी जर जर अवस्था तक उन पर पानी फिरता चला जा रहा है, और मृत्यु का समय सब सपने टूट चुके हैं, तमन्ना चकनाचूर हो चुकी है, मरने की इच्छा तो नहीं है लेकिन फिर भी मरने जा रहे हैं, मृत्यु का स्मरण रहे तो याद रखना अहंकार कंट्रोल में हो जाता है, मोह भी कंट्रोल में हो जाता है। किसी गांव में एक गुरु का आश्रम था, गुरु के आश्रम में बहुत शिष्य रहते थे, कुछ गृहस्थ भक्त भी आते थे और कुछ साधक रहते थे। उनमें एक शिष्य ऐसा था जो सभी साधकों से, सभी भक्तों से, सभी शिष्यों से गुस्सा बहुत करता था, नाराज हो जाता था। धीरे धीरे सभी शिष्यों ने, साधकों ने, भक्तों ने उससे दूरी बना दी, बोलना कम कर दिया, लोग कटने लगे, हटने लगे। जिससे तुम ज्यादा परेशान हो जाते हो तुम्हारा मन उससे दूरी बनाने की योजना तैयार करता है, किसी तरह इसको दूर करूं कि मैं दूर हो जाऊं। लेकिन याद रखना बाहर की दूरियां हो सकती है लेकिन भीतर से रिश्ते टूटना बहुत कठिन होता है। बाहर से कितना दूर हो जाओगे तुम, भीतर से मन मन उसी में जुड़ा हुआ है। एक दिन उस शिष्य को ऐसा लगा कि जितने भी आश्रम में शिष्य हैं, भक्त हैं, साधक हैं, सब खुश रहते हैं, एक हम ऐसे हैं जो इकले पड़ गए, कोई हमसे बोलना नहीं चाहता, बात नहीं करना चाहता, पास में बैठना नहीं चाहता। उसको मन में थोड़ा सा पीड़ा हुई और गुरु के पास गया और गुरु से बोला, तो गुरु से उसने पूछा, गुरु जी आप इतने शिष्यों के बीच में, भक्तों के बीच में भी हंसते रहते, मुस्कुराते रहते, खुश रहते, और सभी शिष्य आपसे प्रेम करते हैं, सभी भक्त प्रेम करते हैं, सभी साधक प्रेम करते हैं, परंतु मेरे से कोई प्रेम नहीं करता है, मेरे से कोई बोलना नहीं चाहता, मेरे पास बैठना नहीं चाहता। गुरु ने कहा कि जब अहंकार बढ़ने लग जाता है तो प्रेमियों की संख्या घटने लग जाती है, जब क्रोध बेकंट्रोल होने लग जाता है तो प्रेम करने वाले लोग दूर होने लग जाते हैं। बेटा हाथ दिखाओ, अपना रेखा दिखाई, रेखा देखा गुरु ने, गुरु रेखा देखता था, ये हाथ की रेखा, मस्तक की रेखा, पैर के तलवा की रेखा, नाक की बनावट, कान की बनावट, आंखों की बनावट, भौहों की बनावट, दांतों की बनावट, अंगुलियों की लंबाई छोटाई, इस पर ज्योतिष काम करती है। आपकी आंखें बड़ी हैं, इसका भी ज्योतिष में कुछ अर्थ है, आंखें छोटी हैं, इसका भी अर्थ है,
दांत टेढ़े हैं उसका भी अर्थ है, दांत सुंदर दिखते हैं उसका भी अर्थ है, दांत छोटे हैं उसका भी अर्थ है, दांत बहुत बड़े हैं उसका भी अर्थ है, नाक छोटी है उसका भी अर्थ है, नाक बहुत बड़ी है उसका भी अर्थ है, ओंठे मोटी है उसका भी अर्थ है, ओंठे पतली है उसका भी अर्थ है, मुंह बहुत छोटा है उसका भी अर्थ है, पैर के तलवा में रेखा है पद्म रेखा उसका भी अर्थ है, पद्म रेखा पैर के तलवा में बनती है, हाथ की रेखाओं में सूर्य रेखा जीवन रेखा बुद्धि रेखा हृदय रेखा बुद्ध रेखा मणिबंध रेखाएं इनका भी बड़ा अर्थ है। कौन अर्थ बताएगा? सबके मन में हो रहा है, गुरुजी को लगता है मालूम है सब अर्थ। प्रवचन बंद होगा तो पूछूंगा गुरुजी बताओ कुछ, पर गुरुजी को कोई अर्थ वर्थ नहीं मालूम है, बस रेखा मालूम है। गुरुजी इस झंझट में पड़ते ही नहीं, क्योंकि ये मेरी फील्ड का काम नहीं। मेरी फील्ड का काम है प्रवचन सुनाना, सत्संग सुनाना, विचार देना, ज्ञान के संप्रेषण से लोगों के मन को ठीक करना। ये मेरी जिंदगी की फील्ड का काम है। ये रेखा देखना, ये मस्तक रेखा तुम्हारी भौहें और बाल घुंघराले लटकाले पटकाले, ये कुछ मेरी फील्ड का काम नहीं है। ये दिखाना है तो कोई दूसरा ज्योतिषी ढूंढना पड़ेगा, परंतु मैं कहूंगा इसको कहीं भी मत दिखाइए, सिर्फ आप अपने कर्म की रेखा को सुधार लीजिए, सारी रेखा ठीक हो जाएगी।